चार दिवसीय छठ महापर्व के संपन्न होने पर छठवर्ती उर्मिला संथालिया ने अपने परिवार के सदस्यों को छठ मैया का आशीर्वाद के साथ साथ उन्हें प्रसाद भी दिया तथा उन्हें सफल जीवन की मंगल कामना भी की। छठवर्ती और धार्मिक स्वभाव की महिला उर्मिला संथालिया के घर पर आयोजित छठ महापर्व को देखकर ऐसा लगा कि सचमुच छठ मैया जो है आकर के सभी को आशीष दे रही हैं, उन्हें अपने जीवन में सफल होने की शुभकामनाएं दे रही हैं, साथ ही साथ उन्हें छठ का महाप्रसाद देकर उन्हें स्वस्थ जीवन और दीर्घायु और सफल जीवन की शुभकामनाएं भी दे रही हैं। और वहाँ का जो वातावरण था वो संगीतमय, साथ ही साथ जो सजावट थी उसे देखकर लग रहा था कि प्रकृति बहुत ही सुंदर है, यह दुनिया भी बहुत सुंदर है और हम सभी को मिलजुल कर छठ महापर्व मनाना चाहिए। और जैव विविधता और प्रकृति की सुंदरता जो है उसे बनाए रखने में अपना सहयोग देना चाहिए। छठ महापर्व हमें पारिवारिक एकता, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता का भी संदेश देती है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। इस महापर्व में कोई मंत्र या पंडित या पुजारी नहीं होता है, समाज के सभी लोगों के सहयोग से ही यह पर्व संपन्न होता है। पारिवारिक सदस्यों का भी सहयोग महत्वपूर्ण रहता है और विशेष रूप से इस पर्व के अवसर पर जो छठ व्रती महिलाएं होती है उनका सभी जगह आदर सम्मान होता है। और हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि जो छठ महापर्व का जो वातावरण होता है, जो हम लोग का हम सभी का व्यवहार होता है, वो हमेशा कायम रहे। सभी के घरों में खुशियां और उन्नति और आरोग्य रहे। हाँ आते हैं, किसी को बोलिएगा ऐसे ही पकड़ो। अच्छा तुम दे रही Thank you.
धन्यवाद। मैं रंजन कुमार अमृत तिरी, अमृत तिरी पटना बिहार। नमस्कार।